हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एक न्यू टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसके जितने भी डायमेंशंस है उस पर डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे और बीच बीच में जो है हम लोग क्वेश्चंस भी जो है इसका आंसर करेंगे, जो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में उस आंसर करेंगे जो भी क्वेश्चंस दिया जाएगा। कोरल रिफ्स, अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कोरल रिफ्स, उसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज कोरल रिफ्स, होता क्या है और इसका जो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो समझेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, हम लोग देखेंगे कि कोरल रिफ्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है पूरे प्लैनेट पे, पूरे अर्थ पे जो कोरल रिफ्स कहाँ कहाँ पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस जो कि कोरल के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है या फिर उस कंडीशन में ही कोरल ग्रो करते हैं वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, मतलब इसका क्या बेनिफिट है कोरल रिफ्स का, या कोरल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना ये महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से थ्योरीज हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज होगा उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वो भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के कोरल रिफ्स होते हैं और उनका कैसे फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से थ्रेट परसेप्शंस हैं या कौन कौन से थ्रेट एसोसिएटेड हैं कोरल रिफ्स से, और ये इन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या सजेस्टिव मेजर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे थ्रेट्स एंड मैनेजमेंट। तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग डिस्कशन का बिंदु, मुख्य बिंदु माने हैं। और कोई भी टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के पास ये दिमाग में क्वेश्चंस रहना चाहिए और इंट्रोगेटिव मेथड जो होता है सबसे बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कोरल रिफ्स, होता क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्यों कहां पर जो है ये किस किस कंडीशंस में है जो कि ये ग्रो करता है और क्या इसका ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये हम लोग देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे वेयर, वेयर का मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और हाउ इसमें देखेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि हाउ दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोरल रीफ कैसे फॉर्मेशन होता है और व्हेन कितना टाइम लगता है, मतलब ये कोरल्स के फॉर्मेशंस में कितना टाइम लगता है, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोरल्स जो है, आप कोरल्स का कुछ पिक्चर देखेंगे, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स, इसका जो फॉर्म होता है वो इसका जो रूप होता है आकार होगा वो डिफरेंट टाइप्स का होगा। ये कोरल्स के फॉर्म्स हैं, ये ब्रेन के शेप का कोरल्स है, ये नेक्स्ट कोरल्स है और ये नेक्स्ट कोरल्स है। देर आर सो मेनी शेप्स एंड टाइप्स ऑफ कोरल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कोरल्स है, ये आप देख रहे हैं ये कोरल्स है, तो कोरल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोरल्स जो है ये प्लांट्स है या एनिमल है। तो आप लोग इसको आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, आंसर करेंगे वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल। तो हम लोग को जैसा कि पता है कि ये जो है एक मैरिन टीनी जो है माइन्यूट्स जो है एनिमल स्पेसीज है, और ये एनिमल स्पेसीज जो है मतलब एक ब्रांचेज के रूप में होगा या मॉन्ड के रूप में होगा, इसको हम लोग कोलर ये कोरल्स बोलते हैं। तो कोरल्स जो है ब्रांचेज हो गया, मॉन्ड हो गया, जो कि मैरिन टाइनी या माइनूट्स जो है एनिमल स्पेसीज हैं, और ये जब कॉलोनीज में मिलते हैं, कॉलोनीज में मिलते हैं और तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरल रिफ्स बोलते हैं। तो ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये जनरली जो है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता है और एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ रहता है, क्लब टुगेदर विद द कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है और एक प्लेटफॉर्म का जो है फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है
हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं होता, ये एक जगह पे स्टेशन रहता है और इसमें लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं होता। और इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें आईज होता है या नहीं, या फिर इसका टंग होता है कि नहीं, ब्रेन होता है कि नहीं, तो ये ना आईज होता है, ना ईयर होता है, ना इसका ब्रेन होगा, ना टंग होगा। ये जो है इसमें केवल ब्रेन का नर्वस नेटवर्क का नेट होता है ये। और ये जो है मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो है समुद्र में मैरिन इकोसिस्टम में रहता है, और ये एक लार्जेस्ट जो कोरल रिफ्स होते हैं लार्जेस्ट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ कोरल्स जो देख रहे हैं कि मूव मतलब एक जगह पे रह कर कहीं जो है वाटर के अलॉन्ग जो है मूवमेंट हो रहा है इसमें। इसमें जो क्वेश्चन है पहला हमारा जो है, व्हाट इज अ कोरल रिफ मेड ऑफ, किस चीज का बना होता है, तो ये देखेंगे। दूसरा, वेयर आर कोरल रिफ्स फाउंड, कहाँ पे कोरल रिफ्स जो है मिलते हैं, किस किस तरीके का, किस किस टाइप्स का कोरल रिफ्स कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा, व्हाट आर कोरल रिफ्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर क्यों ये मतलब ग्लोबल इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन या इकोसिस्टम की रेसिलियंसी को बढ़ाने में कोरल रिफ्स का महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान माना जा रहा है। व्हाट लाइव्स ऑन कोरल रिफ्स, और कोरल रिफ्स पे कौन कौन लोगों को ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, मतलब ये लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ सरफेस है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसीज को, मैरिन प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज को जो है मतलब एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन से लोग यहाँ पे शेल्टर पर किन को मिल रहा है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है इन कोरल रिफ्स में, कौन कौन से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाए जाते हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों को जो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कोरल रिफ्स, किस चीज़ का बना हुआ है, कहाँ पाया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसमें कौन कौन लोग जो है हैबिटेट के रूप में इसको यूज करते हैं, और किस किस तरीके से किन किन के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज कोरल रिफ्स। तो कोरल रिफ्स जो है इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम है, और ये इसको बोल सकते हैं अंडर वाटर इकोसिस्टम है कोरल रिफ, कोरल रिफ को इकोसिस्टम बोल रहे हैं। और ये कैरेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग कोरल्स, ये कोरल्स जो हैं वो रीफ का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति का जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं। रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स जो है वो टाइनी या फिर माइन्यूट जो है एनिमल स्पेसीज है, मैरिन एनिमल स्पेसीज हैं जो कॉलोनी में जब मिलते हैं और एक दूसरे से जो है कैल्शियम कार्बोनेट से जो हिल्ड टुगेदर एक दूसरे से बंधे होते हैं और लार्जर प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं, इसको कोरल रिफ बोलते हैं। और जो है अंडर वाटर इकोसिस्टम है, मोस्ट जो कोरल रिफ्स है आर बिल्ड फ्रॉम स्टोनी कोरल्स होते हैं और हुज पॉलिप्स क्लस्टर इन ग्रुप्स, उसका जो पॉलिप्स है वो एक क्लस्टर में होता है, ग्रुप में होता है, क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है और ये एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण और कॉलोनीज में मिलता है, जिसके कारण रिफ का फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स जो हमारे जो कोरल रिफ को रैन फॉरेस्ट बोलते हैं, रैन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है, और ये सैलो कोरल रिफ्स फॉर्म सम ऑफ द अर्थ मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम। डाइवर्स इकोसिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को मिलता है। और अगर एरिया वाइज देखेंगे तो एरिया वाइज देखते हैं तो हमारा जो कोरल्स का जो एरिया ऑफ कवरेज है ये टोटल ओशनिक एरिया का 0.1% है, लेकिन दे प्रोवाइड शेल्टर या हैबिटेट टू 25% ऑफ ऑल मैरीन स्पेसीज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है कि टोटल मैरीन स्पेसीज जितने भी मैरीन जीव जंतु फ्लोरा फौना मिल रहे हैं उसका 25% को हैबिटेट्स जो है प्रोवाइड कर रहा है हमारा कोरल्स को, कोरल रिफ जो है प्रोवाइड करता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा ये है कि जो ये कोरल्स जो है हमारा जो अंडरग्राउंड मैरीन इकोसिस्टम है उसमें बहुत के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है वो
बहुत तरीके का हो सकता है, वो हो सकता है म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप हो, या फिर पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप हो, या फिर कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप हो, या फिर अमेंसलिज्म का रिलेशनशिप हो, या प्रिडेटर हो। तो दीज आर दी पैरासाइटिक सॉरी सेम्बोटिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दो स्पेसीज हैं, स्पेसीज ए और बी, तो ये दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं, ये म्यूचुअलिज्म में है। पैरासिटिज्म में क्या है कि एक तो बेनिफिटेड हो रहे हैं, ये बेनिफिटेड हो रहे हैं, बट दूसरे को जो है ये एट द रिस्क ऑफ, मतलब इसको जो है कहीं ना कहीं से ये हानि पहुंचा रहे हैं। तीसरा जो रिलेशनशिप हो गया ये पैरासिटिज्म का है, और तीसरा जो है कॉमनसेलिज्म, इसमें ये अगर स्पेसीज है तो ए को बेनिफिट मिल रहा है, बट बी जो है किसी भी तरीके से ना तो वो पॉजिटिवली अफेक्टेड होता है और ना ही नेगेटिवली अफेक्टेड होता है, तो इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। और नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है एमेंसलिज्म जिसको बोलते हैं, अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म जिसको बोल रहे हैं, इसमें ये नाइदर अफेक्टेड नहीं होगा बट बी को जो है नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, अमेंसलिज्म। तो ये इस तरीके के जो स्पेसीज मिल रहे हैं तो ये कोराल के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ सेम्बोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एक हो गया म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में हो गया कि ए और बी जो है दोनों जो है एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रहे हैं, जो कि हम लोग देखेंगे कि कोराल्स और एल्गी का जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअलिज्म का है, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। पैरासिटिज्म का मतलब हुआ कि एक जो है बेनिफिटेड हो रहा है बट दूसरा जो है इससे नेगेटिवली अफेक्टेड हो रहा है, या फिर इसको घाटा पहुंचा रहा है, या फिर इसको रिस्क पहुंचा रहा है, ये पैरासिटिज्म हो गया। कमेंसलिज्म हो गया कि एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरा जो है ना तो पॉजिटिवली अफेक्टेड हो रहा है ना नेगेटिवली अफेक्टेड हो रहा है, तो ये कमेंसलिज्म हो गया। और एमेंसलिज्म जो होता है उसमें ए जो है ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होगा लेकिन बी जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा। तो ये जो है इस तरीके का जो सेम्बॉटिक रिलेशनशिप जो है कोरल रिफ्स में देखने को मिलता है। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म का। तो म्यूचुअलिज्म जो है कोरल पॉलिप्स वो चूंकि एनिमल है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, और एक सेम्बॉटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में माइक्रोस्कोपिक एल्गी के साथ रहता है। तो एल्गी जो है, एल्गी जो है आपका ये आप कोरल्स के लिए जो है फूड प्रोवाइड करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और कोरल्स जो है एल्गी को जो है एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो मतलब एल्गी जो है कोरल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और कोरल्स जो है एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी जो है कोरल्स को फूड प्रोवाइड करता है, फूड और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रहे हैं इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन कोरल रिफ्स, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर इकोसिस्टम है, वो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है जहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ स्पेसीज मैरिन फ्लोरा प्लांट स्पेसीज और मैरिन एनिमल स्पेसीज रहते हैं, और ये म्यूचुअलिज्म पैरासिटिज्म कॉमनसलिज्म अमेंसलिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप के द्वारा वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोरल्स के ग्रोथ के लिए जो है फेवरेबल होता है, या जिस ये सारे कंडीशन जब अवेलेबल होंगे तभी कोराल्स जो है ग्रोथ करेगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि लिमिटेड टू शैलो वार्म वाटर होना चाहिए, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि बहुत डीप वाटर में जो है कोराल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोराल्स ग्रो नहीं करते हैं, तो इसके लिए चाहिए शैलो वार्म वाटर, वाटर जो है आपका शैलो चाहिए और वार्म वाटर चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशंस है कोराल्स के ग्रोथ के लिए।
दूसरा जो है ट्रॉपिकल सी बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के बीच में ही कोरल्स का जो है फॉर्मेशन होता है, कोरल्स ग्रोथ करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट सेक्शन में कि जो कोरल्स हैं कि थ्रू आउट दी मतलब ओशन सारे ओशन में मिलते हैं या फिर कोई रिस्ट्रिक्टेड या कुछ रीजनल या मतलब ज्योग्राफिकल डिमार्केशन है जहाँ पे कोरल्स मिलते हैं। तो कोरल्स पूरे ओशन में नहीं मिलते, सारे ओशन के सारे ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में नहीं मिलते, इनका जो एक्सपेंशन जो है 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के बीच में होता है। तो ये हर एक पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन जो है जनरेट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वो कोराल्स जो है किस वाटर में जो है ग्रो करते हैं, कौन फेवरेबल वाटर होता है, तो हॉट वाटर था, वार्म वाटर था, कोल्ड वाटर था और कूल वाटर था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वार्म वाटर में सबसे फेवरेबल होता है, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये डीप ओशन में डेवलप करते हैं सैलो वाटर में, तो ये सैलो वाटर में डेवलप करेंगे। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन है, इसका जो टेम्परेचर है ओवर 20 डिग्री सी होना चाहिए, मतलब 20 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो वो भी जो है मतलब कोरल के ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल नहीं होता है। और अगर इससे टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर रहा है तो वो भी जो है मतलब कोरल के ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर दोनों जो है बिल्कुल मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं होना चाहिए। इसके लिए फेवरेबल जो मॉडरेट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं 20 डिग्री सी जो है मॉडरेट टेम्परेचर है। इम्पॉर्टेंट होता है नेक्स्ट फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है कि डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ जो है सैलो वाटर होना चाहिए, डेप्थ ऑफ वाटर 45 to 55 meters तक ही होना चाहिए जहाँ पे उसको प्लैंकटन्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं और एज ए फूड के रूप में प्लैंकटन्स जो है अवेलेबल हो पाते हैं। तो ये जो है फेवरेबल कंडीशंस है कि डेप्थ जो है 45 मीटर टू 55 मीटर तक ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो है कोरल्स का फॉर्मेशन या कोरल का ग्रोथ जो है नहीं होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है फेवरेबल होने के लिए इसका जो है थ्राइव वेल इन क्लियर साल्ट वाटर होना चाहिए, साल्ट वाटर तो होना चाहिए बट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशंस है वो स्लाइटली स्टीनोहेलाइन, हम लोग जो है पहले जो है एनवायरनमेंट के सेक्शन में या बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि स्टीनोहेलाइन और यूरीहेलाइन ये क्या होता है। तो जो जनरली लो टेम्परेचर को प्रेफर करते हैं, लो टेम्परेचर जिसका टॉलरेंस होता है, ये टॉलरेंस लेवल के आधार पर हम लोग डिवाइड किया था, टॉलरेंस के आधार पर किया था, एक होता है यूरी हेलाइन और दूसरा होता है स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन मतलब जिसका टेम्परेचर बियर करने का या सहन करने का क्षमता ज़्यादा होता है, जिसका रेंज ऑफ टेम्परेचर बियर सहन करने का क्षमता ज़्यादा होगा उसको यूरी हेलाइन जिसका सैलिनिटी, यहाँ पे जो हेलाइन का मतलब हुआ सैलिनिटी, जिसका रेंज ऑफ सैलिनिटी ज़्यादा बियर करने का क्षमता होगा उसको यूरी हेलाइन बोलेंगे और जिसका रेंज ऑफ सैलिनिटी सहन करने की क्षमता कम होगी उसको स्टीनो हेलाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो कोरल्स है वो स्टीनो हेलाइन है, स्टीनो हेलाइन है और बोल सकते हैं स्टीनो थर्मल भी है, स्टीनो थर्मल है। कहने का मतलब है इसका जो टेम्परेचर रेंज और जो सैलिनिटी रेंज है वो मॉडरेट है, कम है, तो इसको स्टीनो हेलाइन या स्टीनो थर्मल हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बोथ फ्रेश वाटर एंड स्लाइटली हाईली सलाइन वाटर आर हार्मफुल। तो अगर बहुत ज़्यादा सलाइन हो गया तो भी इसके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगा और अगर बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर है तो भी इसके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लैंकटन, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और प्लैंकटन उपलब्ध है, तो ये दोनों जो है इसेंशियल कंडीशन है कि वहाँ पे कोरल्स जो है ग्रो करेगा, वहाँ पे कोरल्स जो है
ज़्यादा उसमें वृद्धि होगी, ज़्यादा उसका फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सैलो वाटर में होता है, सैलो वाटर में होगा। इसका जो टेम्परेचर होगा 20 डिग्री C के अराउंड होना चाहिए। ये जो है आपका स्टीनो हेलाइन है। इसके अलावा ये जो है आपका 30 डिग्री N to 30 डिग्री S के बीच में मिल रहा है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि ये इसमें जो है इसकी सैलिनिटी भी स्टीनो एलाइन होना चाहिए, और इसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो। प्लैंकटन जो है पर्याप्त मात्रा में इसका सप्लाई हो। डेप्थ जो है इसका 45 मीटर to 55 मीटर होना चाहिए। तो दीज आर दी इसेंशियल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स के ग्रोथ के लिए सारे कंडीशंस हैं। और ये सारे कंडीशंस जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे कोरल्स जो है ग्रोथ करेगा, कोरल्स पॉलिश का ग्रोथ होगा, और वो फिर इसका जो वृद्धि जो है काफ़ी फास्ट होता है। और ये जो है कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब थाउजेंड्स और लाख्स के समूह में रहते हैं, और सब कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है सिक्रेशन के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई इसमें मूवमेंट या मोशन नहीं होता है। और ये एक मतलब एक बहुत जो लार्जर स्पेसीज है, मैरीन स्पेसीज या फ्लोरा का जो स्पेसीज है या फौना का जो भी मैरीन स्पेसीज है, सभी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग देखे हैं कि 25% ऑफ जितना भी हमारा मैरीन स्पेसीज है, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है हमारा कोरल रिफ प्रोवाइड करता है। और ये कोरल रिफ जो है ओनली 0.1% ऑफ टोटल ओशनिक एरिया को कवर करता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो ये जो लोकेशन है हमारा, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये जो है 30 डिग्री N और ये 30 डिग्री S। तो ये जो रीजन्स है, इसी रीजन्स में जो है आपका कोरल रिफ का जो है फॉर्मेशन होता है और कोरल रिफ जो है पाए जाते हैं। ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कि जो मोस्ट ऑफ दी जो कोरल्स हैं उसका 30 डिग्री N to 30 डिग्री S, इसी में जो है कोरल्स का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। और ज़्यादा कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि साउथ चाइना से इंडियन ओशन, आपका साउथ ईस्ट एशिया में, हमारा इंडिया में जो लक्षद्वीप का एरिया है वो इधर आपका अरेबियन सी और इधर कैरेबियन सी और इधर हमारा न्यू पपुआ गिनी या फिर हमारा जितने भी आइलैंड्स ग्रुप है वहाँ पे जो है कोरल्स जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारा रीजन जो है ज्योग्राफिकली जो है फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है कोरल के ग्रोथ के लिए, कोरल के फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड में ओशन के किस किस पार्ट में जो है आपका कोरल्स का फॉर्मेशन नहीं होता या कम होता है। तो ये फिगर्स आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आपका अपवेलिंग होगा, मतलब सी वाटर जो है नीचे से ऊपर की ओर अपवेलिंग हो रहा है या वार्म वाटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, या जहाँ जहाँ अपवेलिंग होगा वहाँ वहाँ पे कोरल्स का फॉर्मेशन, ये जो रेड एरिया है वहाँ पे कोरल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी कम है और प्लस नीचे से जो है कोल्ड वाटर का अपवेलिंग हो रहा है, जिसके कारण भी यहाँ इस एरिया में जो है कोरल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इंडिया में जो है कोरल रीफ इन इंडिया फाउंड इट लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप जो है आइलैंड का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जहाँ पे एटॉल्स टाइप ऑफ जो है कोरल्स मिलते हैं। उसके अलावा इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान आइलैंड्स है। तो ये यहाँ पे आपका कोरल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये कोरल्स के जितने भी मैरीन स्पेसीज या क्रिएचर हैं, जैसे डॉल्फिन्स हो गया, सी हॉर्स हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, सी टर्टल्स हो गया, और अनेक वेरियस काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मैरीन फ्लोरा एंड फौना फाइंड शेल्टर इन दिस कोरल्स रिफ।
वहाँ पे ये मिल रहा है, तो इसको मैप में लोकेट कर लेंगे। मैप हम अगर इंडिया का देखते हैं तो ये हमारा जो लक्षद्वीप है जो कि हमारा एटॉल्स टाइप ऑफ, यहाँ पे किस टाइप का हमारा कोरल रीफ मिलता है, तो एटॉल्स टाइप का मिल रहा है। ये हमारा गल्फ ऑफ कच्छ का हो गया, ये हमारा अरबियन कोस्ट में गोवा कोंकण के पास का एरिया है, ये गल्फ ऑफ मन्नार पाकवे हो गया, और ये अंडमान निकोबार हो गया। तो ये मैप बना करके मेंस परीक्षा में मैप बना करके एरिया को डिनोट कर देंगे कि इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ हैं और किस किस तरीके का। तो लक्षद्वीप मेनली जो है आपका एटॉल टाइप्स ऑफ कोरल रीफ यहाँ पे पाया जाता है, और अंडमान निकोबार में जो है फ्रिंजिंग रीफ जो है पाया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ्स इन इंडिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस सो मच सिग्निफिकेंस टू कोरल रीफ्स को, इतना ज़्यादा क्यों हम लोग महत्व दे रहे हैं। तो ये इसलिए महत्व दे रहे हैं कि ये हम लोगों को जो है इकोसिस्टम सर्विसेज, हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम हम लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सपोज कीजिए विंड सर्कुलेशन, प्योर एयर मिल रहा है तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज में आएगा, प्योर वाटर मिल रहा है ये इकोसिस्टम सर्विसेज में आएगा, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो प्रसिपिटेशन हो रहा है, जो प्योर वाटर मिल रहा है, या जो एयर चल रहा है, विंड का सर्कुलेशन हो रहा है, ये सब जो है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज में आएगा। जो बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट स्पेसीज का हो या फिर एनिमल स्पेसीज का हो, ये भी इकोसिस्टम सर्विस में आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, टूरिज्म, जो इकोसिस्टम जो है हम लोगों को जो नेचुरल प्रिजाइल और प्रिस्टीन जो है एक नेचर बेस्ड इको टूरिज्म डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी देता है। फिशरीज के ग्रोथ के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारा कोस्टल एरिया है उसको, शोर लाइन को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि वेरियस काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करता है ये इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, बायोडायवर्सिटी जो हमारा फ्लोरा फौना हो गया, और इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें मिल रही है वो टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, इवन फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये शोर लाइन को प्रोटेक्ट भी करता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसको इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए, अगर इस O2 ऑक्सीजन और इस वाटर और फ्लोरा और फौना या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे जो सर्विसेज हैं या एडवांटेजेज हैं, अगर उसको हम लोग इकोनॉमी में, रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जो ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू है, इसका ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बिटवीन $30 बिलियन टू $375 बिलियन है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस कोरल इकोसिस्टम या कोरल रीफ इकोसिस्टम, जो अंडरग्राउंड वाटर इकोसिस्टम है, इसका इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू जो है $30 बिलियन टू $375 बिलियन तक है। तो जस्ट हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ मच इट इज, कितना प्रीसियस है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है। और जितना ज़्यादा जो वैल्यूएबल होता है उसको उतना ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत होती है, उतना ज़्यादा उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है। ये जो हमारा कोरल रीफ्स है ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। हम लोग देख चुके हैं कि जितने भी टोटल बायोडाइवर्सिटी, मैरिन बायोडाइवर्सिटी है, मैरिन बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो जेनेटिक जीन पूल हो या फिर स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे प्लांट स्पेसीज हो या फिर एनिमल स्पेसीज हो या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो, ये सारा को जो है हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है। ये कोरल रीफ जो हैबिटेट प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो अगर ये हैबिटेट नहीं रहेगा या शेल्टर नहीं रहेगा, तो इससे जुड़े हुए जितने भी स्पेसीज हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे।
अगर वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे तो हमारा उससे जुड़ा हुआ जितना भी इकोसिस्टम सर्विसेज है, इकोसिस्टम सर्विसेज है, वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। और वो जब नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जो सर्वाइवल है वो थ्रेटनिंग होगा। तो इसलिए जो है इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। या जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा जो कोरल रीफ जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो ब्लीच कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो वल्नरेबल हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है, वो इंडेंजर्ड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लार्जर इको सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर ये डिस्टर्ब होगा तो ये इस इको सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोर और लेस, ज़्यादा और कम, सूनर और लेटर, दे विल बी अफेक्टेड बाय द नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस हैबिटेट लॉस या शेल्टर का जो लॉस होगा उसके कारण। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। ये जो है कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। ये जितने भी प्लांट्स स्पेसीज हैं उसको शेल्टर हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, और वहाँ पे जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर O2 को रिलीज करते हैं, तो बहुत सारा जो है ये आपका कार्बन और नाइट्रोजन, ये सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है उसको फिक्स करने में जो है हेल्प करता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देर आर सो मेनी बेनिफिट्स, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द कोरल रीफ्स जो है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसको चिन्हित करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और उसको लार्जर इम्प्लीकेशन क्या है, इसका रेमिफिकेशन हो सकता है, इसको जो है लोगों तक पहुंचाने, अवेयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि ये जो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है कि जब आपका जो छोटे जो फिश होते हैं या फिर इमैच्योर जो फिश होते हैं वो ओपन सी में जाने के पहले, ओपन सी में जाने के पहले जो है वो कोरल रीफ जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर वो रहते हैं, और उसके बाद जब मैच्योर होने के बाद जो है ओपन सी में वो जाते हैं। तो अगर उनका हैबिटेट ये हो जाएगा तो ये जो जितने भी न्यू एंट्री आ रहा है फिशिंग स्कूल्स में या फिशिंग सोल्स में, वो जो है हमारा मतलब डिस्टर्ब होगा, जिससे हमारा जो फिशिंग इंडस्ट्री जो है काफ़ी अफेक्टेड होगा। और फिशिंग इंडस्ट्री जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इस इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा जो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो लिमिटेड है। लैंड की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, एक अपना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का लिमिटेशंस है। कुछ लिमिटेशंस को अचीव करने के बाद हम फर्दर जो है उसमें और इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एकमात्र अल्टरनेटिव ऑप्शंस है कि हम लोग जो है मैरीन फूड की तरफ जाएंगे, मैरीन फूड को अडॉप्ट करेंगे, और उसके लिए फिशिंग इम्पॉर्टेंट है। तो मैरीन फूड हमें तभी मिलेगा जब मैरीन जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उसको जो हैबिटेट के रूप में या शेल्टर जो प्रोवाइड कर रहा है कोरल रिफ, वो हम डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। और जब जितना ज़्यादा हमारा हैबिटेट इनरिच रहेगा उतना ज़्यादा हमारा जो प्लांट और फ्लोरा, मैरीन प्लांट्स एंड मैरीन फ्लोरा होंगे वो इनरिच होंगे, उतना ज़्यादा वो ग्रो करेंगे, और उतना हमारा जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगा, और हमारा जितने भी मैरीन स्पेसीज है, मैरीन स्पेसीज है, इसकी डाइवर्सिटी भी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी इनरिच होगी। और जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इनरिच होगा उतना ज़्यादा हमारा इकोसिस्टम की जो रिसिलियंसी होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है, अगर एक एग्जांपल देखते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड जो है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, जो वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ है। और इसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो $1.5 बिलियन। व्हाट इज़ द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, कमेंट सेक्शन में आप जो है मेंशन करेंगे कि आपके कंट्री का जो है GDP डॉलर में कितना है। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है $1.5 बिलियन जो है केवल ग्रेट बैरियर रीफ से जनरेट कर रहा है, उसकी अपने जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे जो इको टूरिज्म डेवलप करके, फिशिंग डेवलप करके, बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करके, और मैरीन नेशनल पार्क या मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व, मैरीन वर्ल्ड हेरिटेज वगैरह डेवलप करके वो जो है अर्न कर रहा है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो नेचुरल रिसोर्स यानी फूड एंड ड्रग्स। जितना ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होगा मैरीन प्लांट्स का, मैरीन प्लांट स्पेसीज का और मैरीन एनिमल स्पेसीज का, उतना ज़्यादा हमारा जो है मैरीन फूड अवेलेबल होगा और उतने ज़्यादा ड्रग्स के जो रिक्वायरमेंट है वो भी ये फुलफिल कर पाएगा। इसके अलावा रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर, जिसको इकोसिस्टम सर्विसेज हम लोग बोल रहे हैं, कोरल रीफ का इकोसिस्टम सर्विस है। इसके अलावा सोशल कल्चरल एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स भी है, सोशल कल्चरल एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स भी है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है हमारा कोरल रीफ्स में, ये जो हमारा अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है, उतना ज़्यादा इसका रिक्रिएशनल वैल्यू होता है। आप मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में या मैरीन वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में या मैरीन इकोसिस्टम के रूप में डेवलप करते हैं और टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो वहाँ पे एडवेंचर पर्पस से, नेचर टूरिज्म के पर्पस से लोग जाते हैं और जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा जो है कोरल रिफ जो है या कोरल जो है एक बायो सेंसर का भी काम करता है, एक बायो इंडिकेटर का भी, क्लाइमेट इंडिकेटर का काम करता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इसलिए बायो सेंसर है या फिर क्लाइमेटिक इंडिकेटर के रूप में इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही जो भी कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो या फिर प्रेशर से, मॉइस्चर से रिलेटेड हो, ये सारे से मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये रिस्पॉन्ड करता है। अगर फेवरेबल है तो ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा और जैसे ही नेगेटिव चेंज होता है तो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी सरफेस का जो सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है और उस इंक्रीज के कारण जो है हमारा कोरल ब्लीच कर रहा है, कोरल जो है डाई आउट हो रहा, शुरू हो रहा है। तो ये एक इंडिकेटर है क्योंकि थोड़ा सा भी वेरिएशन, नेगेटिव वेरिएशन हो रहा है तो वो इंडिकेटर है जो कि शो कर देता है कि आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, आपका टेम्परेचर है जो कि बढ़ रहा है या इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिसको रिसर्च और स्टडी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं और इसका जो है ह्यूमन पे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। और इसलिए सारे बिंदुओं से ये प्रतीत होता है, ये ऐसा लग रहा है कि इसका काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा ही रिलीवेंस है, चाहे वो इकोसिस्टम सर्विसेज हो, चाहे सोशल कल्चरल रिक्रेशनल वैल्यू हो या फिर इकोनॉमिक वैल्यू हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से थ्योरीज हैं, कोरल रिफ्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से थ्योरी हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन का है। चार्ल्स डार्विन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जो है जितने भी टाइप्स फॉर्म जो चार्ल्स डार्विन ने जो है कोरल्स रीफ को, कोरल रीफ को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टिंग सी से, मतलब कोस्टल एरिया से किस तरीके से वो एडजस्ट किया हुआ है, क्या कितना डिस्टेंस पे, उसके बेसिस पे। तो जो पहला जो थ्योरी है कोरल रीफ के फॉर्मेशन का वो सब्सीडेंस थ्योरी है। ये मैच करने के लिए आ सकता है, सब्सीडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। नेक्स्ट थ्योरी जो है स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मर्रे, स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मर्रे एंड ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली। तो हम लोग जो है यहाँ पे केवल डार्विन का थ्योरी डिस्कस करेंगे और ये भी जो है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो डार्विन जो है मतलब ये सब्सिडेंस थ्योरी में बताते हैं कि एक सीक्वेंस में, एक स्टेजेज में जो है ये कोरल रिफ्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रिफ्स है उसका फॉर्मेशन होता है और फाइनली जो है एटॉल का फॉर्मेशन होता है। पहला जो स्टेज है जिसमें फ्रिंजिंग रिफ का फॉर्मेशन होता है अराउंड एक्सटिंक्ट वोल्केनिक आइलैंड, उन्होंने वोल्केनिक आइलैंड को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया था कि जब वोल्केनिक आइलैंड है, जब वो एक्सटिंक्ट कर जाता है वोल्केनिज्म उसका, तो उस आइलैंड के अराउंड जब कोस्ट से सटा हुआ जब डेवलपमेंट होता है उसको फ्रिंज का मतलब ही होता है किनारा, जब रीफ का फॉर्मेशन होगा तो उसको फ्रिंजिंग रीफ बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि एज आइलैंड एंड ओशन फ्लोर सबसाइड, जब आपका
वोल्केनिक आइलैंड सबसाइड करता है तो, या फिर ओशन फ्लोर सबसाइड करेगा तो फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन होगा, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिगर से ये क्लियर होगा। और जब सब्सिडेंस कंटिन्यू होता है तो आइलैंड और रीफ के बीच में जो है वाटर, जिसको बोलते हैं मतलब लेक जो है डेवलप हो जाता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं बैरियर रीफ्स। और जब आइलैंड पूरी तरीके से सबमर्ज कर जाएगा तो चारों तरफ से जो है हमारा रीफ रहेगा और बीच में जो है लेक रहेगा। तो ये सर्कुलर जो चारों तरफ से आपका कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है और बीच में लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं एटॉल। तो ये फिगर से क्लियर होगा कि ये हमारा आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड है, और इसके फ्रिंज में मतलब इसके कोस्टल पार्ट में जस्ट सटा हुआ, लैंड से सटा हुआ जब रीफ का फॉर्मेशन होता है, ये रीफ है तो इसको फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। ये जो है हमारा फ्रिंजिंग रीफ है। समटाइम्स सम वाटर में यहाँ पे जो है दिखाई पड़ सकता है, तो इसको फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। सब इसका फर्दर सब्सिडेंस होता है, सब फर्दर सब्सिडेंस होता है तो ये जो आइलैंड है या जो कोस्टल लैंड है और ये जो रीफ है, ये रीफ के बीच में जो है वाटर या लैगून जो है डेवलप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ये जो कोस्ट के पैरेलल, कोस्ट के पैरेलल डेवलप होगा तो इसको बोलेंगे रीफ, बैरियर रीफ बोलते हैं। और इसके बीच में कोस्टल एरिया या लैंड और रीफ के बीच में जो है हमारा लैगून डेवलप होगा, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग, ये हमारा फ्रिंजिंग रीफ हो गया। ये हमारा बैरियर रीफ हो गया। और जब ये आइलैंड जो है ये पूरी तरीके से सबमर्ज कर जाएगा तो यहाँ पे वाटर वाटर रहेगा, चारों तरफ से जो है कोरल्स, कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से सर्कुलर, तो ये हमारा हो जाएगा एटॉल। एटॉल जो है सर्कुलर, सर्कुलर रीफ इनक्लोज्ड जो है आपका एक लेक को इनक्लोज कर रहा है तो इसको एटॉल्स बोलेंगे। तो ये सब्सिडेंस का ये मतलब डार्विन का ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ये जो है, सेकेंड स्टेज, और ये जो है थर्ड स्टेज। इसको हम लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। शुरू में जो है ये वोल्केनिक आइलैंड है, ये वोल्केनिक आइलैंड एक्सटिंक्ट कर गया है यहाँ पे देख रहे हैं, और ये हमारा वाटर वाला पार्ट है, ओशन है। ये कोस्ट से सटा हुआ, कोस्ट से सटा हुआ जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा फ्रिंजिंग रीफ है। ये फ्रिंजिंग रीफ है, ये जब सबसाइड कर जा रहा है हमारा, ये आइलैंड जो है सबसाइड कर गया तो हमारा रीफ और आइलैंड के बीच में वाटर बॉडीज आ गया, ये लैगून डेवलप हो गया। तो ये जो है हमारा ये बैरियर रीफ का एग्जांपल होता है, मतलब रीफ जो है पैरेलल टू द कोस्ट, कोस्ट के पैरेलल जो है रीफ का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जब आइलैंड पूरी तरीके से सबमर्ज कर गया वाटर टेबल लेवल से नीचे, तो ये चारों तरफ जो है हमारा रीफ का फॉर्मेशन हो गया, बीच में वाटर हो गया, तो इसको बोलते हैं एटॉल, इसको बोलते हैं एटॉल्स। तो ये डार्विन का थ्योरी है जो कि स्टेजेस के द्वारा जो है इनको इसको समझाया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो है फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड स्टेज में हमारा बैरियर रीफ, और थर्ड में जो है एटॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दी सी टाइप्स ऑफ एटॉल्स। डार्विन थ्योरी स्टार्ट विद वोल्केनिक आइलैंड विच बिकम्स एक्सटिंक्ट एज द आइलैंड एंड ओशन फ्लोर सबसाइड, कोरल ग्रोथ बढ़ता, बिल्ड्स ऑन फ्रिंजिंग रीफ, ऑफन इंक्लूडिंग अ शैलो लैगून, कभी कभी हो सकता है बिटवीन द लैंड एंड द मेन रीफ्स। और जब ये सब्सिडेंस कंटिन्यू करता है तो फ्रिंजिंग रीफ बिकम्स लार्जर, बैरियर रीफ में बन जाएगा, और लैंड और मतलब शोर के बीच में और रीफ के बीच में जो बड़ा सा डीपर लैगून हो जाएगा तो इसको बोलेंगे बैरियर रीफ। और जब चार पूरी तरीके से सबसाइड कर जाएगा, चारों तरफ जो है रीफ का फॉर्मेशन और बीच में जो है आपका लेक बन गया, लैगून बन गया,
लेक बन गया तो उसको एटॉल्स बोलेंगे, इंक्लूजिंग ओपन लैगून, कभी कभी बीच में ओपन भी होगा और इंक्लोज्ड भी हो सकता है। तो ये इस फिगर से समझ सकते हैं, इस फिगर में देख रहे हैं ये आइलैंड है, आइलैंड के जस्ट एडजेसेंट में जो है हमारा जो रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग फ्रिंजिंग रीफ बोल रहे हैं। और ये आइलैंड और ये रीफ के बीच में ये जो हमारा लैगून का फॉर्मेशन हो गया, तो ये पैरेलल हो गया कोस्ट का, तो इसको बोल रहे हैं बैरियर रीफ। और जब आइलैंड पूरी तरीके से सबमर्ज कर गया, आइलैंड पूरी तरीके से सबमर्ज कर गया तो ये हमारा जो बीच में जो है लैगून लेक जिसको बोलेंगे, और ये चारों तरफ से जो है सर्कुलर जो है बैरियर रीफ बन गया है जिसको हम लोग एटॉल्स बोल रहे हैं। ये थ्री टाइप्स ऑफ कोराल रीफ जो है फॉर्मेशन हो रहा है। ये डार्विन इसी के बेसिस पे जो है पहला तो बस शेप ऑफ द रीफ मॉर्फोलॉजी जिसको बोलते हैं शेप के बेसिस पे किया गया है, और दूसरा जो है रिलेशनशिप विद एडजेसेंट लैंड मास के लोकेशन के साथ किस तरीके का उसका रिलेशनशिप है। अगर एडजेसेंट बिल्कुल है तो फ्रिंजिंग हो गया, बीच में लगून हो गया, पैरेलल हो गया तो फिर वो बैरियर रीफ हो गया, और चारों तरफ सर्कुलर हो गया तो एटॉल हो गया, बीच में लगून हो गया। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि फ्रिंजिंग रीफ, ये फ्रिंजिंग रीफ जो है कोस्ट या जो शोर लाइन होता है उसके बिल्कुल सटा हुआ होता है, तो जो भी हमारा ओशनिक वेव हो गया या फिर जो भी हमारा सुनामी हो गया या ओशनिक सर्ज हो गया उसका जो इम्पैक्ट कोस्ट पे होगा उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये फ्रिंजिंग रीफ अगर कोस्टल एरिया में है तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे सी वेव से, सी टाइड से, और सुनामी वगैरह जो भी शोर पे अटैक करते हैं इम्पैक्ट करते हैं उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। फ्रिंजिंग रीफ जो है इंडिया में कहाँ मिल रहा है, तो इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार में फ्रिंजिंग रीफ है, नियर अंडमान आइलैंड भी जो है हम लोग को फ्रिंजिंग रीफ मिलता है, रामेश्वरम में फ्रिंजिंग रीफ है, पाक स्ट्रेट में फ्रिंजिंग रीफ है। तो इंडिया में फ्रिंजिंग रीफ कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो गल्फ ऑफ मन्नार, अगेन यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि फ्रिंजिंग रीफ इंडिया में कहाँ, गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तीसरा जो है रामेश्वरम, और चौथा जो है पाक स्ट्रेट। ये सभी जगह पे इंडिया में फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन होता है, फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रीफ जो है पाए जाते हैं। वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में फ्लोरिडा, न्यू हेब्राइड्स जो है ये सब आइलैंड मतलब आपको फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है हम बैरियर रीफ देखेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ में क्या होता है, जो कोस्टल एरिया और रीफ कोरल रीफ के बीच में लैगून्स होते हैं, बीच में डिफरेंट इनलेट्स भी हो सकते हैं जो कि वाटर को कनेक्ट करते हैं, ओपन सी से कनेक्ट करते हैं, और लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ जो है वर्ल्ड का वो ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सपोज कीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये यहाँ पे जो है ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका जो लेंथ है वो 900 किलोमीटर है। तो ये जो है सबसे रिचेस्ट मतलब मैरीन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जैसा देख चुके हैं हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ से ऑस्ट्रेलिया को $1.5 बिलियन पर एनम जो है इकोनॉमिक मतलब रेवेन्यू प्राप्त होता है, और यहाँ पे बहुत मैरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया गया है, वर्ल्ड लाइफ हेरिटेज में इसको जगह मिला है, मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व मैरीन टूरिज्म के रूप में जो है इसको डेवलप किया गया है, जहाँ पे इसको देखने के लिए टूरिस्ट लोग बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ग्रेट बैरियर रीफ है, इसमें जनरली इसका जो 700 मिलियन फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, ये जस्ट एक फिगर है, और इटली के बराबर इसका एरिया है,
इस सब कंट्री के बराबर एरिया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसका एरिया जो है 3,34,04,400 किलोमीटर स्क्वायर है। लेंथ जो है इसमें 2300 किलोमीटर दिया, एनसीईआरटी बुक में जो है आपका 1900 किलोमीटर दिया हुआ है। एटॉल्स जो है लैगून ज्वाइन द ओपन सी, मतलब इस तरीके का रहेगा, सर्कुलर रहेगा, इस तरीके से सर्कुलर इसका फॉर्मेशन होता है, बीच में लैगून हो गया और ये जो इनलेट है, इस इनलेट है जो कि ओपन सी से इसको कनेक्ट करता है, इस लैगून को ओपन सी से कनेक्ट करता है, ये एटॉल्स हो गया। और मोर कॉमन जो है ये पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा एटॉल्स मिलते हैं। और हमारा जो फिजी एटॉल जो है, फिजी आइलैंड जो है, इसको अपना वर्ल्ड मैप में लोकेट करेंगे वेयर इज फिजी आइलैंड, तो वहाँ पे एटॉल का है फुनाफुटी एटॉल, इसको भी लोकेट करेंगे, सभी को मैप में लोकेट करके बताएंगे, या फिर अभी आप बता दीजिए कि सब किस ओशन में है, आपके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फिजी आइलैंड कहाँ है, फुनाफुटी एटॉल कहाँ है। लक्षद्वीप तो हम लोगों को पता है कि इंडिया में है, इंडियन ओशन में है, मालदीव जो है इंडियन ओशन में है। तो आप फिजी एटॉल और फुनाफुटी एटॉल जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस ओशन में है। दिस इज द फिगर ऑफ एटॉल्स, ये चारों तरफ जो है हमारा सर्कुलर कोरल रीफ है, ये बीच बीच में इनलेट्स हो सकते हैं जो कि इसको ओपन सी से कनेक्ट कर रहे हैं। A ring of reef result which enclose a lagoon. Atolls are numerous in South Pacific में बहुत सारा Pacific Ocean में, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे atolls मिलते हैं। They are usually occur in mid-ocean, mid-Pacific Ocean, for example in the Caroline Island. Caroline Island कहाँ है, तो ये Pacific Ocean में है। Cook Island ये भी वही Pacific Island में है। French Polynesia सबको locate करेंगे world map में, सबको लोकेट करेंगे कहाँ कहाँ है, और कैरोलिन आइलैंड, कुक आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, मार्शल आइलैंड कहाँ पर है इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कहाँ पर है, और माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेजोनेशिया, ये सब कहाँ लोकेटेड है, कहाँ कहाँ आपका जो है एटॉल का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा, तो पैसिफिक ओशन में जो है एटॉल टाइप ऑफ जो कोरल रीफ है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, हाँ सभी लोग आंसर कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिया जा रहा है उसको क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, और बीच में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सब आप लोग जो है इसमें आंसर करेंगे कि आइलैंड्स वगैरह कहाँ लोकेटेड है और किस जगह पे किस किस टाइप का जो है कोरल रीफ पाया जा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है इस कोरल रीफ्स के साथ, जो कोरल रीफ जो है हमारा अंडरग्राउंड, मतलब मैरीन वाटर इकोसिस्टम है, अंडरग्राउंड वाटर इकोसिस्टम है, मैरीन वाटर इकोसिस्टम है, और काफ़ी ये रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाया जाता है, काफ़ी रिच जेनेटिक पूल यहाँ पे पाया जाता है, काफ़ी रिच स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी चाहे फ्लोरा एंड फौना वो पाया जाता है, इसके जितने भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं या जो भी बेनिफिट हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग डेवलपमेंट के कारण हम लोग नोइंगली अनोइंगली ये जो रिच हमारा इकोसिस्टम है इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बहुत सारे थ्रेट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं कोरल रीफ के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम लोग ये सब एक एक करके देखेंगे। पहला प्रॉब्लम जो है कोरल ब्लीचिंग का है। कोरल ब्लीचिंग है कि आपका कोराल जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोराल जो है बहुत मतलब बायोसेंसर है, कि जो है क्लाइमेटिक इंडिकेटर है, कि लिटिल चेंज होने पर ही अपना रिस्पॉन्स जो है करता है, रिस्पॉन्स देता है। अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो नेगेटिवली रिस्पॉन्स करता है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अगर पॉइंट जैसे हम लोग देखें कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 0.6 डिग्री से इंक्रीज कर गया है या फिर और 1-3 डिग्री से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हमारा कोरल जो है ब्लीच करना शुरू हो जाएगा, मतलब बीमार होना शुरू होगा,
और धीरे धीरे ये डाई होना शुरू हो जाएगा, डाई करना शुरू हो जाएगा। जब डाई करना शुरू हो गया तो इसका ग्रोथ नहीं होगा, जब ग्रोथ नहीं होगा तो ये जो हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है वो हैबिटेट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, शेल्टर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा और ये इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। तो फिर इससे जुड़े हुए जितने भी शेल्टर लेने वाले स्पेसीज हैं वो भी जो है वल्नरेबल हो जाएंगे, वो भी इंडेंजर्ड हो जाएंगे। और अभी जो है हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि कोरल ब्लीचिंग और कोरल डाइंग ऑफ का जो है मतलब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है कैरिबियन सी में, जहाँ पे जो है एटॉल्स और कोरल रिफ्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हम लोग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा, टेक्सास, हवाई आर एक्सपीरियंसिंग दिस फेनोमेना। किस फेनोमेना का? तो कोरल ब्लीचिंग का प्रॉब्लम और कोरल डाइंग ऑफ मतलब कोरल के मरने का जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे एरिया में बिल्कुल विजिबली एक्सप्लिसिटली जो है ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है, एक तरीके का इंडिकेटर है, एक तरीके का अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग इंडिकेटर है कि ये जो वार्मिंग हो रहा है वो बहुत ही हमारे इकोसिस्टम के, हमारे फ्रेजाइल इकोसिस्टम का, हमारे जो प्रिस्टीन इकोसिस्टम है, हमारा जो सेंसिटिव इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसको उसके लिए बहुत ही डेंजरस है, इंडेंजर कर रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो कोरल रिफ जो है फ्रेजाइल होता है, मतलब बहुत ही कोमल, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही मतलब नाजुक होता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने पे इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पार्टली बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू वाटर कंडीशंस। वाटर कंडीशंस में थोड़ा भी लिटिल चेंज हुआ, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो सैलिनिटी से रिलेटेड हो, और या फिर सेडिमेंट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड सो, तो ये जो है तुरंत जो है मतलब अपना शो करता है, ब्लीचिंग होना शुरू हो जाता है, डाई करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि दे आर अंडर थ्रेट फ्रॉम एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी यहाँ पे एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है सप्लाई हो जा रहा है आपका मैरीन कोस्टल एरिया में, जो कि इंडस्ट्रियल जो भी इफ्लुएंट्स है, जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है, उसके कारण ऊपर हो जा सकता है। दूसरा, राइजिंग टेम्परेचर के कारण ओसनिक एसिडिफिकेशन, ओवर फिशिंग, सनस्क्रीन यूज एंड हार्मफुल लैंड यूज प्रैक्टिसेज। हार्मफुल लैंड यूज प्रैक्टिसेज मतलब हम लोग अब जो ओसनिक लैंड को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं, हम लोग ओसनिंग लैंड को भी ड्रिल करना शुरू कर दिए, एक्सकैवेशन करना शुरू कर दिए, खनन करना शुरू कर दिए, ड्रिलिंग करना शुरू कर दिए हैं, माइनिंग करना शुरू कर दिए हैं, और ये जो सेडिमेंट जनरेट हो रहा है या जो भी ऑयल स्पिल्स हो रहा है या ये सारा जो है प्रॉब्लम जो है हमारा जो है वो मैरीन इकोसिस्टम, जो कोरल रिफ का जो इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हम लोग अगर पॉइंट वार देखते हैं तो मैरीन पोल्यूशन, अभी जितने भी इंडस्ट्री हैं या जितना भी इंडस्ट्रियल कंट्री है, और मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ कोस्टल एरिया में हुआ है, और कोस्टल एरिया में इंडस्ट्रियल हुआ तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसके जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं या लिक्विड वेस्ट हैं, सब जो है समुद्र में आ रहा है, और समुद्र में आने के बाद जो है वहाँ पे ओवर न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, या फिर सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जा रहा है, या पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये सारे प्रॉब्लम जो है हमारे जो कोरल्स हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डिजीज, इसके कारण बहुत सारा डिजीज हो रहा है, सेडिमेंटेशन माइनिंग के कारण, एक्सकेवेशन के कारण सिल्टेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, और ये ज़्यादा सेडिमेंट होने पर जो कोरल्स है उसका जो है ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो हैबिटेट, जो हमारा जो कोरल्स रीफ है, कोरल रीफ जो है हैबिटेट प्रोवाइड करता है, हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पेसीज को, और इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? तो ओशन माइनिंग कर रहा है, ओशन माइनिंग कर रहे हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, ओशन का ड्रिलिंग कर रहे हैं अपने वेरियस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ड्रिलिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं,
तो ये सारे से एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे भी हमारा जो है कोरल्स जो है डैमेज हो रहा है। ओवर फिशिंग करने के बहुत सारे मेथड है, प्रैक्टिस है, तो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस के कारण जो है हमारा कोरल्स रीफ जो है डैमेज हो रहा है। चेंज इन सैलिनिटी, जितना ज़्यादा सेडिमेंटेशन आ रहा है तो सैलिनिटी भी जो है चेंज कर रहा है। तो सैलिनिटी जैसे मान लिया, सपोज कीजिए ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वाटर इवोपोरेट करेगा, इवोपोरेट करने के कारण क्या था, जो साल्ट होगा वो प्रिसिपिटेट करेगा, मतलब वो साल्ट जो है वो समुद्र में ही रहेगा, तो समुद्र की जो मैरीन सैलिनिटी है वो बढ़ेगी। और जैसे ही सैलिनिटी बढ़ेगी तो हमारे कोरल्स जो है वो ब्लीच करना शुरू हो जाएंगे, डाइंग ऑफ, मरना शुरू कर देंगे। तो चेंज इन सैलिनिटी के कारण भी हमारा कोरल रिफ डैमेज हो रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण एक जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है जिसके कारण हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण हमारा जो है कोरल रिफ जो अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है, अंडरग्राउंड वाटर इकोसिस्टम है, मेरीन वाटर इकोसिस्टम, वो डैमेज हो रहा है। ग्रीन हाउस वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन प्रेजेंट अ ब्रॉडर थ्रेट थ्रू सी टेम्परेचर एंड सी लेवल राइज। अब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहे हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है जिससे आइस आइस ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, आइस मेटल के कारण जो है सी लेवल राइज कर रहा है। तो सी लेवल का जो राइज है या फिर टेम्परेचर जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीज होने से भी या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होने से भी हमारा जो कोरल रिफ का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है, वो अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लिटिल चेंज होने से जो है ये अपना जो है मतलब ब्लीच होना शुरू हो जाता है या फिर मरना शुरू हो जाता, डाई ऑफ होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड जो हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं या क्या क्या सजेस्टिव मेजर्स दिए जा सकते हैं ताकि ये हमारा जो जीन पूल है या जो हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी है या जो हमारा जो इस रिच इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इसकी रिसिलियंसी को जो बनाए रखना है तो उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 1997 में वाज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ कोरल रिफ्स, इसको ईयर ऑफ कोरल रिफ्स बाय द इंटरनेशनल ओसनोग्राफिक कमीशन के द्वारा 1997 को जो है ईयर ऑफ कोरल रिफ घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोरल रिफ घोषित किया गया। सिंस देयर इमरजेंस इतना मिलियंस ईयर अगो, कोरल्स को बनने में बहुत सारे वर्ष, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और मेनी थ्रेट्स जैसे डिजीज का हो गया, प्रीडेशन का हो गया, इन्वेजिव स्पेसिस का हो गया, बायो इरोजन, बहुत सारे फिश ऐसे होते हैं जो मिट्टी को जो है इरोड करते हैं, ग्रेजिंग इसको बोलते हैं, ग्रेजिंग फिश बोलते हैं, अलगल बूम्स ब्लूम्स हो गया या जियोलॉजिक हजार्ड्स हो गया, इंडिसेंट ह्यूमन एक्टिविटी, ये सारा चीज़ जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा इकोसिस्टम, हमारा जो हमारा जो ये इकोसिस्टम है उसको जो है वो डैमेज कर रहा है, इरोड कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये जो कोरल रीफ का हमारा जो मैरीन इकोसिस्टम है इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। बहुत सारे फैक्टर, हम लोग कोरल माइनिंग भी करना शुरू कर दिए हैं तो ये कोरल माइनिंग से भी हमारा कोरल इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। बॉटम ट्रॉलिंग, बॉटम ट्रॉलिंग जो है फिशिंग करने का तरीका है जिसमें बॉटम से जो है मतलब ट्रॉल करके फिश को पकड़ा जाता है। डिगिंग कैनाल्स एक्सेस इनटू आइलैंड एंड बेज, मतलब सब सीप तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल कर देते हैं, रास्ता बना देते हैं जितने भी आइलैंड एंड बेज तक पहुँचने के लिए, उसके कारण हमारा मैरीन इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है। लोकलाइज्ड में है ब्लास्ट फिशिंग तरीका, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, कोरल ओवर माइनिंग कर रहे हैं, कोरल का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैरीन पोल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे कोरल रीफ को डैमेज कर रहे हैं। इनिशिएटिव हम लोग इसके लिए क्या क्या लिए हैं, तो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया इसको बोलते हैं एनपीएस, जिस तरीके से हमारा प्रोटेक्टेड एरिया लैंड पे होता है उसी तरीके से समुद्र में भी मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होता है और इसका पर्पस होता है टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फिशरी मैनेजमेंट और हैबिटेट प्रोटेक्शन। हैबिटेट प्रोटेक्शन मतलब जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना
मैरीन फ्लोरा एंड फौना है, उस हैबिटेट को सुरक्षित रखना, उसका डिस्ट्रक्शन होने से उसको बचाना है। और ये जो है इसमें इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव है, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है, इंक्लूडिंग रीफ का रिस्टोरेशन करना, जो कोरल रीफ है उसको रीस्टोर करना है, और जो एस्थेटिक जो ब्यूटी है उसकी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखना, और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो इसके लिए जो है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया सब बनाया गया है, और इसमें जो है बहुत सारे जो एरियाज है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया, मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व, मैरीन नेशनल पार्क, मैरीन पार्क बनाया गया है, नेशनल मोनूमेंट्स बनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, ये सारे मैरीन वर्ल्ड हेरिटेज मैरीन नेशनल मोनूमेंट्स वगैरह के रूप में उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसमें एग्जाम्पल है बेलीज, बेलीज कहाँ है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि बेलीज बैरियर, इसका लोकेशन भी जो है आप लोग लोकेट करके बताएंगे कि बेलीज बैरियर रीफ का लोकेशन कहाँ है। श्यान कान जो है हमारा कोरल रीफ है, इसका लोकेशन कहाँ है, दी गलापागोस आइलैंड, इसको लोकेट करके बताएंगे ये किस ओशन में है, गलापागोस आइलैंड, ग्रेट बैरियर रीफ। और इसके अलावा इसको लोकेट करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हेंडरसन आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, और पलाउ ये कहाँ पे लोकेटेड है, और पापा हनुमाओ क्वाकिया मैरीन नेशनल मॉन्यूमेंट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस सारे का मैपिंग करके आप लोग लोकेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो ये सारा हो गया प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है कोरल रीफ का रिस्टोरेशन, इसको रिस्टोर करना मतलब जो डैमेज हो चुका है, जो डाई ऑफ हो गए हैं या जो मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उस कोरल रीफ को रिस्टोर करना है। और ये रिसेंट डिकेड में काफ़ी इम्पोर्टेंस इसका जो है मतलब दिया गया है, इम्पोर्टेंस रोल दिया गया है। और इसमें जो है कोरल जो हमारा जो कोरल स्ट्रेसर जिसको बोलते हैं, पोल्यूशन है, वार्मिंग ओशन टेम्परेचर है, वेदर इवेंट ओवर फिशिंग है, ये सबको कम करके हम लोग इसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरल फार्मिंग, कोरल फार्मिंग है जिस तरीके से हम लोग क्रॉप फार्मिंग करते हैं उसी तरीके से ये मैरीन एरिया में कोरल फार्मिंग, इसको कोरल एक्वा कल्चर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कोरल एक्वा कल्चर फॉर फार्मिंग कोरल गार्डनिंग, ये सब नया नया टर्म्स है जो कि कोरल को प्रिजर्व करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, कोरल के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है किया जा रहा है। और ये सारा प्रैक्टिस जो है हम लोग पोटेंशियली इफेक्टिव टूल के रूप में यूज कर सकते हैं, जो एरिया हमारा कोरल ब्लीचिंग और कोरल डाई ऑफ से प्रभावित है उस एरिया में हम लोग कोरल फार्मिंग कर सकते हैं, कोरल एक्वा कल्चर कर सकते हैं, कोरल प्रोटेक्शन मैरीन पार्क, मैरीन रिजर्व, मैरीन बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, ये सब है जो कि खोल सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ऑपरेट्स अ कोरल रीफ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम किया स्टार्ट किया है, कोरल रीफ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम टू हेल्प रीलोकेट एंड रीस्टोर कोरल रीफ्स इन हवाई। हवाई में जो कोरल ब्लीचिंग के कारण जो डैमेज हुआ है उसको रीस्टोर करने के लिए जो है रीलोकेट करने के लिए जो है मतलब एक कोरल रीफ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और कोरल रीफ को बढ़ाने के लिए या कोरल मैरीन इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए एक अनदर जो इम्पोर्टेंट हमारा जो स्टेप है, ये इनिशिएटिव है, इसको बोलते हैं हीट टॉलरेंट सेम्बायोन्ट्स, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया और नेचुरली अकरिंग हीट टॉलरेंट वेराइटीज ऑफ कोरल के साथ जो हम जेनेटिक में मेकअप में इम्प्रूवमेंट करके इस तरीके का जो है कोरल्स का जो है जेनेसिस करेंगे जो कि टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, ज़्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके, जिससे कि अगर जो चेंजेज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उसमें भी वो सर्वाइव कर सके, लिटिल सेडिमेंटेशन में भी सर्वाइव कर सके, लिटिल सैलिनिटी इंक्रीज कर रहा है उसमें भी सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के साथ जो है और नेचुरली अकरिंग हीट टॉलरेंट वैरायटी के साथ जो है सिम्बायोन्ट्स सिम्बायोट्स के साथ जो है हम लोग कोरल का जो है फॉर्मेशन करके फिर उसका कल्चरिंग करना या फिर उसके ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और विद द डिटूरिएशन ऑफ ग्लोबल रिफ्स फिश नर्सरीज हम लोग बना रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है
डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, कोस्टल एरिया को डेवलप कर रहे हैं लाइवलीहुड के लिए एंड नेचुरल ब्यूटी के लिए, जो भी अंडर थ्रेट में एरिया है या जहाँ पर भी डैमेज हो रहा है, जो वल्नरेबल है, जो इंडेंजर्ड है, वैसे एरिया में रीस्टोर कर रहे हैं, रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं और रीग्रोथ को जो है प्रमोट कर रहे हैं, रीजनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो रिचेस्ट इकोसिस्टम है, उसकी रिसिलियंसी को बनाया जा सके और उसको मतलब प्रिजर्व करके रखा जा सके और ये जो है इसके बेनिफिट को जो है ह्यूमन बीइंग हार्नेस कर सके। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, इसका एक ब्रीफ नोट्स बना लेंगे आप और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब क्लास ओवर होने के बाद भी दिए जाएंगे, तो वो सारे जो क्यूज क्वेश्चंस होंगे उसको आंसर करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, उसको जो है एक फ्रेमवर्किंग करके पर्सनल नोटबुक में बना लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।